यूट्यूब चैनल में स्वागत है, वेलकम टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट के बारे में, जो हमारा सब्जेक्ट है मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट। तो उसका क्वेश्चन पेपर हमारे पास है, तो इस क्वेश्चन पेपर को आज हम एनालिसिस करने वाले हैं। आपको भी पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ताकि हमने जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, 2020 हो गया या फिर 21 हो गया, 19 का भी क्वेश्चन यहाँ पर हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। अब क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करने का क्या इंपॉर्टेंस क्या है कि आपको पता चले कि एग्जाम में कौन कौन से रिपीट क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जा सकते हैं और किस यूनिट के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, तो उसके बारे में मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर हम मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट जो सब्जेक्ट है, जो कि हमारे फोर्थ सेमेस्टर के अंदर आता है फ्रेंड्स। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो तो आपको क्वेश्चन पेपर पैटर्न जो है तो अलग हो सकता है, लेकिन उसके अंदर जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो सेम ही क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर होते हैं, जो कि 2 मार्क्स के लिए होते हैं। आपको टोटल 10 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करना होता है। तो उसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ पार्टीशन कोएफिशिएंट इन रिलेशन ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी। सेकंड, व्हाट आर न्यूरोट्रांसमीटर, क्लासिफाई देम विथ सुटेबल एग्जांपल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है न्यूरोट्रांसमीटर का, और उसका क्लासिफिकेशन भी यहाँ पर आपको लिखना है, इससे आप वेरी वेरी IMP भी कर सकते हो। नेक्स्ट, आउटलाइन द केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एडर्नर्जिक ड्रग विथ सुटेबल एग्जाम्पल। राइट MOA ऑफ NSAIDs। ओके, मोड ऑफ एक्शन यहाँ पर आपको लिखना है। फोर्थ नंबर का देख लीजिए, गिव द बायोसिंथेटिक पाथवे ऑफ एसिटाइल कोलिन। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया फ्रेंड्स, एसिटाइल कोलिन का बायोसिंथेटिक पाथवे। नेक्स्ट, यहाँ पर आपको IUPAC नेम लिखना है, किसका, पायरोक्सिक कैम का। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय टॉक्सिक क्लोनिक सीजर्स। तो टॉक्सिक क्लोनिक सीजर्स क्या होता है उसके बारे में यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन देना है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स हमारा। तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है यहाँ। तो उसके अंदर फर्स्ट देख लीजिए, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब 10 मार्क का क्वेश्चन यहाँ पर होता है। आपको कोई भी 2 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। उसके अंदर फर्स्ट देख लीजिए, डिफाइन एंड क्लासीफाई पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट विथ सुटेबल एग्जाम्पल। तो यहाँ पर आपको पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट के बारे में लिखना है, उसी के साथ उसके एग्जांपल भी यहाँ पर आपको लिखना है। बाद में उसका सार लिखना है, मोड ऑफ एक्शन लिखना है, केमिकल फीचर्स ऑफ ईच क्लास, हर एक क्लास का यहाँ पर आपको केमिकल फीचर भी लिखना है। सेकंड क्वेश्चन बच्चों, सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। ओके, आउटलाइन द केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एडर्नर्जिक ड्रग। तो एडर्नर्जिक ड्रग के यहाँ पर आपको क्लासिफिकेशन पूछा गया है। डिस्कस देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कमेंट ऑन द इसेंशियल स्ट्रक्चर फीचर रिक्वायर्ड फॉर द ऑप्टिमम एक्टिविटी ऑफ सच ड्रग्स। तो उसका मोड ऑफ एक्शन भी यहाँ पर आपको लिखना है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, तो इसके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अब देख लीजिए थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डिटेल हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री की यहां पर आपको पूरी डिटेल में हिस्ट्री लिखनी है, उसके डेवलपमेंट के बारे में यहां पर आपको लिखना है। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर, यहां पर 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा हर एक क्वेश्चन, तो आपको टोटल 7 क्वेश्चन यहां पर आपको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट देख लीजिए, आउटलाइन द सिंथेसिस ऑफ डायजापैम एंड क्लोरप्रोमाजाइन हाइड्रोक्लोराइड। सेकंड देख लीजिए, क्लासीफाई साइकोथेरापेटिक ड्रग विथ सुटेबल एग्जाम्पल। डिस्कस द सार ऑफ फिनोथायाजाइन एंड ट्रैंक्विलाइजर्स एजेंट। थर्ड क्वेश्चन, डिस्कस द इन्फ्लुएंस ऑफ बायोसोस्टेरिज्म एंड पार्टीशन कोएफिशिएंट ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट आर सिंथेटिक एनाल्जेसिक। तो सिंथेटिक एनाल्जेसिक क्या होते हैं, एक्सप्लेन द सिंथेसिस एंड यूजेस ऑफ मिथाडोन हाइड्रोक्लोराइड। 5 नंबर का देख लीजिए, डिफाइन एंड क्लासीफाई जनरल एनास्थेटिक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार इसका ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया है, रिपीट क्वेश्चन होता है फ्रेंड जनरल एनास्थेटिक्स का। नेक्स्ट, राइट द ब्रीफ स्टेप्स इन ऑल इन द जनरल एनास्थेसिया। तो जनरल एनास्थेसिया के अंदर कौन कौन से स्टेप होते हैं वो यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन बायोसिंथेसिस एंड कैटाबॉलिज्म ऑफ कैटेकोलामाइन। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन पेपर था हमारा मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट का, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट या प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट सेशन में ज़रूर बताना, अगर किसी और सब्जेक्ट का चाहिए तब भी हमें कमेंट सेशन में ज़रूर बताना, डेफिनेटली हम उसका वीडियो अपलोड कर देंगे, या फिर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो हम उसका आंसर भी यहाँ पर आपको
बता देंगे तो कमेंट सेशन में जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू सो मच।